हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे ट्रेवर्सिंग अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। वैसे इस ट्यूटोरियल में हमें बात करना चाहिए था इंसर्शन एट द एंड, बट हम लोग देख रहे हैं ट्रेवर्सिंग अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप किसी लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना चाहते हैं कोई नोट, तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा एंड नोट का, यानी कि एंड नोट तक आपको जाना पड़ेगा। सो एंड नोड तक कैसे आप जा सकते हैं, वह कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ इस ट्रेवर्सिंग और सिंगली लिंक्ड लिस्ट में देखेंगे। सो पहले हम लोग ट्रेवर्सिंग जानेंगे, कैसे आप लिस्ट के नोड को ट्रेवर्स कर सकते हैं, देन हम लोग एंड में कैसे इंसर्ट करते हैं वह देखेंगे। ठीक है, ट्रेवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ट्रेवर्सिंग का मीनिंग होता है विजिट करना, यानी कि आपके लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स को वन बाय वन आप विजिट करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेवर्स करना। सो एज्यूम कीजिए कि ये जो नोड्स हैं ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट में है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट से कनेक्टेड है। जब मैं बात करता हूँ सिंगली लिंक्ड लिस्ट की, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक पॉइंटर होता है स्टार्ट नाम का, कोई भी नाम का हो सकता है बट हम लोग बेसिकली इसको स्टार्ट नाम देते हैं। सो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर होता है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। स्टार्ट पॉइंटर के पास हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। और दूसरी बात यह है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में याद रखने की कि लास्ट नोड के लिंक पार्ट में हमेशा नल होता है। ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट का लास्ट नोड कौन सा है और फर्स्ट नोड कौन सा है, तो सिंपली आपका क्लियर जवाब होना चाहिए कि स्टार्ट पॉइंटर के पास जिस नोड का एड्रेस होता है वह नोड हमारा फर्स्ट नोड है, और जिस नोड के लिंक पार्ट में नल वैल्यू है वह हमारा लास्ट नोड है। अभी ट्रेवर्सिंग की अगर हम लोग बात करें, तो हमें सिंपली ट्रेवर्स करने हैं, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड में जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंटर पी बनाते हैं और उस पॉइंटर पी में हम लोग कुछ ऐसा कोड लिखेंगे जिससे कि वह ट्रेवर्स करेगा, और इस तरीके से वन बाय वन सभी में ट्रेवर्स करते हुए हमें वह उसके इन्फो पार्ट का वैल्यू भी शो करेगा। ठीक है, और वह एंड करेगा जब उसको नल मिलेगा इस पॉइंटर पी में। जब नल आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये लिस्ट खत्म हो चुका है, लिस्ट में अब कोई भी नोड नहीं है। ओके, सो इस तरीके से ये ट्रेवर्स करता है। लेकिन हाँ, समझ में नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन कोड इसका कैसे लिखें, क्या करें कोड में। सो चलिए इसका कोड देखते हैं। ये लिस्ट था हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने कहा कि दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। पहला, स्टार्ट पॉइंटर के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। दूसरा, लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल होता है। ठीक है, अब इसका कोड कैसे लिखते हैं वह देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। ठीक, सबसे पहले हमें एक पॉइंटर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हमें ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंटर बना लेना है। सो चलिए एक पॉइंटर बनाते हैं। ये हमारा पॉइंटर बन गया स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस पॉइंटर में, ये तो सिर्फ एक पॉइंटर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको बताएंगे कि आप किसको पॉइंट करो। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले वाले नोड को पॉइंट करना बताएंगे कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाले नोड को पॉइंट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पी इक्वल स्टार्ट लिख देंगे। अब स्टार्ट के पास क्या, स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। सो स्टार्ट इक्वल 100 है, तो पी इक्वल हो जाएगा 100, यानी कि पी के पास भी अब फर्स्ट नोड का एड्रेस है और स्टार्ट के पास भी आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस है। सो पी आ गया, पी के पास भी अब 100 है, यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ओके, यहाँ अभी हम लोगों को ट्रेवर्स करना है, यानी कि इस नोड को तो ठीक है ये कर रहा है पॉइंट, लेकिन यहाँ से काम नहीं चलेगा, यहाँ से इसको आना चाहिए कहाँ, यहाँ। सो ये यहाँ कैसे आएगा, यहाँ तक तो ठीक है कि ये इसको बता देगा अगर आप लिखते हैं, अगर इसका इन्फो पार्ट का अगर आपको चाहिए, ये अगर आपको डिस्प्ले करना कि इसके इन्फो पार्ट में क्या है, तो आप लिख देंगे पी और एरो सिंबल और इन्फो वेरिएबल। तो ये इसमें इसके इन्फो वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा, ए है यहाँ स्टोर, तो ये ए आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा, लेकिन इसमें कैसे ट्रेवर्स किया जाए। सो इसके लिए हम लोग एक वाइल लूप यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, पी नॉट इक्वल नल। अब यहाँ पी नॉट इक्वल नल क्यों लिखा है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर के कोड को पहले देख लेते हैं।
इसमें लिखा गया प्रिंट पी एरो इन्फो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एरो इन्फो, पी एरो इन्फो में क्या है देख लेते हैं कि पी एरो इन्फो में क्या है, ठीक है। लिखा गया है कि पी एरो इन्फो, इसको प्रिंट करना, यानी कि प्रिंट एफ और पी एरो इन्फो आप अगर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए पी आपका ये अभी फर्स्ट टाइम पी के पास 100, यानी कि इस नोड का है, ये इन्फो पार्ट है, तो पी एरो इन्फो ए है, तो ये क्या करेगा कि ए डिस्प्ले कर देगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देन हम लोगों ने लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि पी इक्वल पी लिंक कर देना, डिस्प्ले करने के बाद आपको पी इक्वल पी लिंक करना है। पी इक्वल पी लिंक का मतलब क्या था, चलिए देखते हैं। पी इक्वल पी लिंक, पी लिंक इसका मतलब ये होता है कि पी लिंक में क्या है, ये पी हो गया आपका और यहाँ लिंक पार्ट है, तो पी एरो लिंक, पी एरो लिंक में क्या है 200। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अभी पी इक्वल आपको क्या करना है 200 कर देना है। तो पी इक्वल 200 का मतलब अभी 800, सॉरी पी इक्वल 100 था, तो ये इस नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा था और इस नोड को पॉइंट कर रहा था। अगर हम लोग पी इक्वल 200 कर दें इस फॉर्मूले के साथ या फिर इस कोड इस स्टेटमेंट के साथ, तो पी इक्वल हो जाएगा 200, और 200 किसका एड्रेस है, सेकेंड नोड का, यानी कि ये यहाँ से ट्रेवर्स करके चला आएगा यहाँ, ठीक है। यानी कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ अब नहीं है, अब ये आ गया है यहाँ, ठीक है। फिर से ये वाइल लूप रन करेगा, ये वाइल लूप रन करेगा, फिर से चेक करेगा पी नॉट इक्वल नल, क्या ये है, हाँ है, क्योंकि पी तो अभी 200 है, नल तो है नहीं, तो ये फिर से रन करेगा, फिर से पी इन्फो चलेगा, पी इन्फो में अब की बार जब चलेगा तो ये पी यहाँ है, अब इसको पॉइंट कर दो पी इन्फो बी, पी इन्फो में क्या है बी है, तो ये अब की बार बी को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद फिर से ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और ये क्या कहेगा कि पी इक्वल पी लिंक करना है, पी इक्वल में क्या असाइन करना है, पी लिंक करना है, तो पी अब की बार यहाँ, और पी लिंक में क्या है 300, तो ये 200 नहीं बल्कि हो जाएगा 300। अब ये चूंकि 300 है तो 300 इसका एड्रेस है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से जंप करके यानी कि यहाँ ट्रेवर्स करेगा। अब ये इसको पॉइंट करने के बजाय इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। फिर से ये रन करेगा लूप, जब ये लूप फिर से रन करेगा तब फिर से पी इन्फो के थ्रू सी वैल्यू यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर ले सकते हैं, और पी पी लिंक क्या करेगा, फिर से ये जो है आपको इसको हम लोग कट कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 400, ठीक है, 400 हो जाएगा, और ये यहाँ से ट्रेवर्स करके चलाएगा जहाँ 400 है वहाँ, यानी कि यहाँ से ये ट्रेवर्स करके चलाएगा यहाँ, ठीक है। फिर से जब ये लूप रन करेगा तो ये चेक करेगा पी नॉट इक्वल नल, यहाँ अभी है, तो ये पी इन्फो में फिर से प्रिंट कर देगा आपका डी, और ये फिर से जब पी इक्वल पी लिंक अब की बार जब चलेगा तो अब इसके इस अभी पी इसको पॉइंट कर रहा है और पी लिंक पार्ट में क्या है नल है, तो यहाँ ये 400 हट कर हो जाएगा नल, ठीक है। अभी जब ये लूप रन करेगा तो यहाँ इसको चेक किया जाएगा कि पी नॉट इक्वल नल, अगर पी नॉट इक्वल नल है तभी ये चीज़ें रन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, लेकिन अब की बार क्या है पी इक्वल नल है, क्योंकि पी इक्वल नल है इसीलिए ये जो लूप है ये बंद हो जाएगा, और आप अपने सारे नोड को विजिट कर चुके हैं और सारे आउटपुट यहाँ ए बी सी और डी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने लास्ट नोड तक पहुंच सकते हैं। लास्ट नोड तक पहुंचने का तरीका क्या है, लास्ट नोड तक पहुंचने का तरीका ये है कि अगर आपका पी इक्वल नल हो जाता है तो आप अपने लास्ट नोड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये दो कोड ही आपको चलाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ट्रेवर्स, इस तरीके से आप ट्रेवर्स कर सकते हैं अपने सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।